नमस्कार, आज मैं बताने जा रहा हूँ होम थिएटर सिस्टम के बारे में, यानी कि पूरा का पूरा सिनेमा हॉल हमारे घर के अंदर। एक होम थिएटर तैयार होता है ऑडियो और वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उपयोग में लाने से, जिससे कि एक घर के अंदर सिनेमा हॉल के जैसा आभास किया जा सकता है। ऑडियो उपकरण यानी कि एवी रिसीवर और स्पीकर्स, वीडियो उपकरण यानी कि टेलीविजन या फिर प्रोजेक्टर। कुछ लोगों के घर में इतनी जगह होती है कि वो अपने घर के एक रूम को पूरा का पूरा सिनेमा हॉल जैसा बना सकते हैं, पर बहुत से लोगों के घर में इतनी जगह नहीं होती है कि एक अलग रूम को होम थिएटर सिस्टम बना सकें। जगह कम होने के बावजूद भी काफी लोग अपने घर में सिनेमा हॉल के जैसा आभास करना चाहते हैं, और वैसे ही कुछ लोगों में से मैं भी एक हूँ। आज के इस वीडियो में जो बातें मैं बताऊंगा और जो सेटअप करके मैं दिखाऊंगा, उससे दोनों ही तरह के लोगों को फायदा होगा। जो लोग अपने घर में होम थिएटर सिस्टम अलग से एक रूम लेके बना सकते हैं, और दूसरे वो लोग जिनके घर में इतनी जगह नहीं है कि वो होम थिएटर सिस्टम अलग से बना सके, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से समर्पित है 5.1 होम थिएटर सिस्टम सेटअप करने के लिए। इसलिए इस वीडियो में मैं टेलीविजन और प्रोजेक्टर के बारे में ना बताते हुए होम थिएटर सिस्टम के ऑडियो के पार्ट को बताऊंगा, यानी कि हमारा एवी रिसीवर और स्पीकर्स के बारे में। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बीच बीच में ध्यान में रखने वाली बहुत जरूरी बातें भी बताता रहूंगा, जो कि बहुत जरूरी है एक होम थिएटर सिस्टम को सही तरह से लगाने के लिए। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एक वीडियो में दिखाया था कि मुझे भैया जी ने एक होम थिएटर सिस्टम का सेट दिया था, जो कि है यामाहा कंपनी का और जिसका मॉडल नंबर है YHT 1840। यामाहा के इस YHT 1840 होम थिएटर सिस्टम की अनबॉक्सिंग का वीडियो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको वहां जाकर के देख सकते हैं। होम थिएटर सिस्टम सेटअप करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2 ये सब क्या है, और फिर डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी एटमस ये सब क्या है। तो मैं आपको कुछ आसान शब्दों में बताता हूँ कि 5.1 चैनल का मतलब हुआ 5 स्पीकर्स और 1 सबवूफर, और वैसे ही 7.1 या 7.2 चैनल का मतलब हुआ 7 स्पीकर और 1 सबवूफर या 2 सबवूफर, उसी तरह से 9.1 और 9.2। तो अब बात करते हैं डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी एटमस के बारे में कि ये क्या है। ये सब ऐसी तकनीकें हैं जो कि किसी फिल्म की या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स की या फिर वेब सीरीज की साउंड मिक्सिंग करते वक्त उपयोग में आती हैं। और जब हम इस तरह से साउंड मिक्सिंग की हुई मूवीज, वेब सीरीज या टेलीविजन प्रोग्राम्स को अपने होम थिएटर सिस्टम पर सुनते हैं, तो जो हमारा एवी रिसीवर होता है वो इन तकनीकों को डिकोड करके सभी स्पीकर्स तक निर्धारित रूप से आवाज को भेजता है, जिसको कि हम सराउंड साउंड कह सकते हैं। आज मैं जिस होम थिएटर सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो एक एंट्री लेवल का होम थिएटर सिस्टम है, जो कि एक छोटे या मीडियम साइज के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बड़े कमरों के लिए भी हम यामाहा के इस एवी रिसीवर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें स्पीकर बदलने होंगे। यदि आपके पास किसी और कंपनी का एवी रिसीवर और 5.1 चैनल के स्पीकर्स हैं, तो उसके लिए भी सभी स्पीकर्स का प्लेसमेंट और बेसिक सेटिंग्स सेम ही रहेंगी। ये मेरा वीयू का 65 इंच टेलीविजन है। इसमें आता है HDMI ARC इनपुट, जो कि आजकल लगभग सभी स्मार्ट टीवीज में उपलब्ध है। ARC का मतलब होता है ऑडियो रिटर्न चैनल। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि इस HDMI पोर्ट के जरिए हम हमारे टीवी की ऑडियो को एवी रिसीवर तक पहुँचा सकते हैं। आज के इस वीडियो को मैं 3 भागों में बांट रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला भाग होगा स्पीकर्स का प्लेसमेंट, यानी कि हमें हमारे स्पीकर्स कहाँ लगाने चाहिए जिससे कि हमको एकदम सटीक 5.1 सराउंड साउंड सुनाई दे। दूसरा भाग होगा स्पीकर्स और टीवी से एवी रिसीवर की वायरिंग, और तीसरा भाग होगा एवी रिसीवर और टेलीविजन की सेटिंग्स। और इन तीनों के बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ध्यान में रखने वाली बेहद जरूरी बातें। तो अब शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो का पहला भाग, यानी कि स्पीकर्स का प्लेसमेंट, जिसमें कि सबसे पहले बात करते हैं सेंटर चैनल स्पीकर की। ये सेंटर चैनल स्पीकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक होम थिएटर सिस्टम में, क्योंकि किसी भी फिल्म, वेब सीरीज या टेलीविजन प्रोग्राम में सबसे ज्यादा वोकल्स होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो डायलॉग्स होते हैं, और एक होम थिएटर सिस्टम में सिर्फ सेंटर चैनल से ही वोकल सुनाई देते हैं। तो अब जैसा कि इसका नाम है सेंटर चैनल, तो इसको हमें अपने टेलीविजन के नीचे बिल्कुल सेंटर में लगाना चाहिए, और हमें ये नाप के देखना होगा कि हमारे कान जमीन से कितनी ऊंचाई पे हैं। तो जैसे कि इस वक्त मैं यहां बैठा हूं,
तो बेसिकली मैं आप पहले तो ये बता दूं कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। ये सेटअप जो मैंने किया है, जो स्पीकर्स नीचे रखे हैं और ये जो थोड़ी हाइट पे हैं, ये एक्चुअली मेरे बैठने के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी मैं इन स्पीकर्स को लगाने के बाद पूरा साउंड का टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो साउंड की टेस्टिंग करने के लिए मुझे एग्जैक्टली माइक को वहाँ प्लेस करना होगा जहाँ पर कि सारी साउंड इक्वली उस माइक तक पहुँच सके, ना कि इस वक्त जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे कान यहाँ आए। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्पीकर्स जो यहाँ मैंने अभी लगाए ये यहाँ नहीं होने चाहिए, ये और हाइट पे होने चाहिए, 2 से 3 फीट की ऊंचाई की हाइट पे। और ये स्पीकर्स भी जो सामने मैंने रखे हुए हैं आप देख सकते हो, तो वो भी हम जो है वो मैं कान के लेवल से अगर आप देखोगे तो इस वक्त वो नीचे हैं। तो वो स्पेशली मैंने वहाँ पर इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी मैं इसका पूरा साउंड टेस्टिंग वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ, तो वहाँ जो माइक्रोफोन का जो प्लेसमेंट होगा मेरे, उसके हिसाब से मैंने ये सारा का सारा अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपनी बात पे। मैं ये बता रहा था कि जब ज़मीन से कान की हाइट हम नाप लेंगे तो उसी हिसाब से हमको अपने सेंटर चैनल की भी ज़मीन से हाइट नापनी होगी, और उस सेंटर चैनल को फिर हम वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यदि टेलीविज़न के सामने बैठने के बाद हमारे कान ज़मीन से 3 फीट की ऊंचाई पे आते हैं तो सेंटर चैनल की ऊंचाई भी ज़मीन से 3 फीट ही होनी चाहिए। यदि हमारे पास जगह नहीं है कि हम 3 फीट पर सेंटर स्पीकर को लगा सकें, तो फिर जितनी भी हाइट पर आप सेंटर चैनल को लगाएं, तो उसी हिसाब से सेंटर चैनल को झुका या उठा दें। यानी कि अगर सेंटर स्पीकर हमारे कान की ऊंचाई से नीचे है तो हमें उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देना होगा, और यदि हमारे कान की हाइट से ऊंचाई पे रखा है तो हमें उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका देना होगा, जिससे कि स्पीकर साउंड को हमारे कानों की तरफ सीधा भेज सके। बेहतर यही होगा कि हम सेंटर चैनल को नीचे की तरफ ही लगाएं। अब हम लगाएंगे फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट स्पीकर्स को, तो उनके लिए भी हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोनों स्पीकर्स भी उतनी हाइट पे हों जितनी हाइट से ये हमारे कानों तक सीधी आवाज को भेज सकें। यदि हमारे स्पीकर्स छोटे हैं, जैसे कि यामाहा के ये स्पीकर्स या फिर कोई बुक शेल्फ स्पीकर्स, तो फिर या तो हम इनको स्पीकर स्टैंड्स लगा के इस्तेमाल में लें, या फिर यदि हमारे टीवी के नीचे टेबल है तो हम वहां पर भी इन्हें रख सकते हैं। और यदि हमारे पास बड़े स्पीकर्स हैं, यानी कि फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स, तो वो इसी तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनकी आवाज हमारे कानों तक सीधी आ सके, तो उनके लिए कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन फ्रंट लेफ्ट और राइट स्पीकर्स की सेंटर चैनल से दूरी कम से कम 1 फीट होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा दूर भी ना रखें। कोशिश करें कि 1 फीट से 3 फीट के बीच की दूरी में ही आपके स्पीकर्स हों। यदि 3 फीट या उससे ज्यादा की दूरी पे हम स्पीकर्स रख रहे हैं तो फिर हमें इन फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट स्पीकर्स को थोड़ा सा घुमा देना होगा, जिससे कि स्पीकर से निकलने वाली आवाज सीधी हमारे कानों तक पहुंचे। अब हम लगाएंगे सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट स्पीकर्स को। 5.1 सेटअप में सराउंड स्पीकर्स हमारे बैट के सुनने की पोजीशन के लेफ्ट और राइट साइड में लगाए जाते हैं। लगभग 2 फीट से 3 फीट की ऊंचाई पे दीवार पे लगाने चाहिए, और यदि दीवार पर लगाने की जगह ना हो तो हम इन स्पीकर्स को स्टैंड पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये स्टैंड पे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे सबवूफर। सबवूफर को लगाने के लिए कोई खास जगह निर्धारित नहीं होती है, इसको लगाने के लिए हमें खुद जगह तलाशनी होती है। सबवूफर को हम कमरे में उस जगह लगाएं जहां से कि हमको सबसे ज्यादा अच्छा बेस सुनाई दे। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारे कमरे में सबसे ज्यादा अच्छा बेस कहां से सुनाई देता है, तो उसके लिए हमें हमारे सबवूफर को हमारे कमरे में अलग अलग जगह रख के देखना होगा। जहां से भी सबसे ज्यादा अच्छी बेस की आवाज सुनाई दे, बस समझ लीजिए हमारे कमरे में सबवूफर लगाने की जगह मिल गई है। तो ये तो हुआ हमारे 5.1 स्पीकर्स को लगाने के बारे में। अब बात करते हैं स्पीकर्स की और टेलीविजन की एवी रिसीवर के साथ वायरिंग के बारे में। तो जैसा कि अब हमने सभी स्पीकर्स को निर्धारित जगह पर रख दिया है, तो अब हमें नापना होगा कि एवी रिसीवर से स्पीकर्स की दूरी कितनी है, और उसी हिसाब से हम अपने स्पीकर्स की वायर को लेंगे और कनेक्ट कर देंगे एवी रिसीवर के साथ। तो जैसा कि मेरे पास यहाँ पर एवी रिसीवर से सेंटर चैनल की दूरी लगभग 1 मीटर है, तो मैं वायर को 1 मीटर पर कट करूंगा, और अब हम एक मास्किंग टेप या पेपर टेप लेंगे और उसको इस तरह से इस वायर पे लगा देंगे और लिख देंगे सेंटर चैनल। वायर के दूसरे छोर पर भी बिल्कुल इसी तरह से हम टेप को लगाएंगे और वहां भी हम लिख देंगे सेंटर चैनल। ऐसा करने से भविष्य में हमें ध्यान रहेगा कि कौन सी केबल कौन से स्पीकर की है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस वायर में एक केबल पे ब्लैक कलर की लाइन बनी है, तो इस लाइन वाली केबल को हम मान लेते हैं पॉजिटिव
और जो बिना किसी लाइन के प्लेन वाली वायर है उसको हम मान लेते हैं नेगेटिव। तो अब हम वापस एक टेप का टुकड़ा लेंगे और लाइन वाली वायर पे टेप लगा के लिख देंगे पॉजिटिव, और दूसरी वाली वायर ऑब्वियसली नेगेटिव ही हुई तो उसको मार्किंग देने की हमें जरूरत नहीं। तो ऐसा अब हम इस वायर के दूसरे छोर पे भी कर देंगे। अब ये वायर हो गई रेडी हमारे एवी रिसीवर से सेंटर चैनल स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी बाकी की बची सारी वायर्स को रेडी कर लेंगे। तो अब जैसा कि हम अपने एवी रिसीवर में देख सकते हैं कि जो रेड कलर के वायर होल्डर्स हैं वो सभी पॉजिटिव हैं और जो ब्लैक कलर के वायर होल्डर्स हैं वो सभी नेगेटिव हैं। अब जैसा कि ये सेंटर स्पीकर का केबल है तो हम इसको एवी रिसीवर के रेड से स्पीकर के रेड को वायर से जोड़ देंगे और एवी रिसीवर के ब्लैक होल्डर से स्पीकर के ब्लैक होल्डर को जोड़ देंगे और बिल्कुल इसी तरह से बाकी बचे सभी स्पीकर्स की वायरिंग कर देंगे। अब जैसा कि एवी रिसीवर में सबवूफर के लिए एम्पलीफायर पहले से ही दिया है तो इसमें हम सबवूफर का कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही कर देंगे जैसे कि बाकी सब स्पीकर्स का हमने किया था। लेकिन यदि हमारे पास एक्टिव सबवूफर है यानी कि हमारे सबवूफर में पहले से ही एम्पलीफायर भी लगा हुआ है तब उस अवस्था में हमें पहले नाप लेना होगा कि हमारे सबवूफर से हमारे एवी रिसीवर की दूरी कितनी है और उसी हिसाब से हम एक आरसीए केबल लेके आएंगे और एवी रिसीवर के आउट से आपके सबवूफर के इनपुट में देनी होगी। तो ये हो गई हमारे एवी रिसीवर से हमारे सभी स्पीकर्स की वायरिंग। अब हमको हमारे टेलीविजन से एवी रिसीवर को कनेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमें नापना होगा कि टीवी से एवी रिसीवर की दूरी कितनी है और उसी हिसाब से हम HDMI 2 केबल को लेके आएंगे। HDMI 2 केबल इसलिए क्योंकि HDMI 2 केबल ARC को सपोर्ट करती है और हमें टीवी से एवी रिसीवर तक ऑडियो पहुंचाने के लिए ARC पोर्ट का ही इस्तेमाल करना है। अब हमें अपनी इस HDMI 2 केबल को एवी रिसीवर के पीछे वहां लगाना है जहां पे लिखा हुआ है HDMI आउट ARC, और फिर हम अपनी HDMI केबल के दूसरे छोर को अपने टेलीविजन के उस पोर्ट में लगा देंगे जहां पर लिखा है ARC। तो जैसा कि अब हमने सारी वायरिंग कर ली है तो अब बचती है सबसे मेन वायरिंग, वो है ये पावर केबल। इसको अब हम प्लग में लगाएंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे भाग पे यानी कि एवी रिसीवर की टेलीविजन के साथ सेटिंग्स। तो उसके लिए हम अपने AVR में जाकर के सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो उसके लिए हमको यहाँ से पहले तो इनपुट चेंज करना पड़ेगा। तो हम जब हम इनपुट दबाएंगे तो यहाँ पर हमने क्योंकि HDMI 1 में केबल लगाया था तो ये ऑटोमेटिकली ऑन शो कर रहा है। तो मैं जैसे ही इस पे जाऊँगा तो ये मुझको लेके जाएगा यामाहा के पेज पे। तो हमारे एवी रिसीवर का ये है सेटअप पेज जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि स्पीकर, HDMI, साउंड, इको, फंक्शन और लैंग्वेज के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जैसा कि अभी हमने इसको टीवी से कनेक्ट तो कर लिया लेकिन ऑडियो रिटर्न चैनल यानी कि ARC वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं वो हमें पता चलेगा HDMI से। तो हम HDMI में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन कहता है कि HDMI कंट्रोल जो कि इस वक्त यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है। तो HDMI कंट्रोल का मतलब यहाँ पर यह है कि सपोज कि आपके जो टीवी का रिमोट है तो उस टीवी के रिमोट से जब आप टीवी को ऑफ करेंगे तो आपके यामाहा के एवी रिसीवर का भी पावर ऑफ हो जाएगा, और वैसे ही जब आप अपने टीवी के रिमोट से वॉल्यूम का कंट्रोल अप डाउन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एवी रिसीवर के वॉल्यूम को कम या ज्यादा करेगा। तो इसलिए हमको ये HDMI कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसे ऑन किया तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर शो करने लगा है कि ऑडियो इनपुट जो है इसने ऑटोमेटिकली ऑटो पे लिया हुआ है, फिर 4K अपस्केलिंग ये आपको ऑन रखनी है या ऑफ वो आप देख सकते हैं। यदि आपके पास 1080p का इनपुट है आपके एवी रिसीवर में तो उसको आप 4K के टेलीविज़न पे देखना चाहेंगे तो यहाँ उसको ऑन करके रखें। टीवी ऑडियो इनपुट का मतलब ये हुआ कि कौन से सोर्स पे ये इनपुट ले रहा है, तो वो यहाँ पर ऑडियो 4 लिखा हुआ है तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो 4 पे ही रहने देंगे। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं स्टैंड बाय सिंक, ये भी ऑटोमेटिक पे रहने देते हैं। उसके बाद चलते हैं ARC जो कि ऑन होना चाहिए। यदि आपके टेलीविज़न में ये ऑफ शो कर रहा है तो आप इसको अपने रिमोट से ऑन पे ले आए। तो जैसा कि अब ये ARC ऑन हो गया है तो अब हम यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये लीजिए बाहर आ गए। अब जैसा कि ये यामाहा का AV रिसीवर है
और हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई और एवी रिसीवर हो। तो सब एवी रिसीवर्स तो एक जैसे होते नहीं हैं, लेकिन काफी हद तक एक जैसे ही मेन्यू होते हैं, तो आपको आसानी से ये सिमिलर ऑप्शंस अपने एवी रिसीवर में भी मिल जाएंगे। अब हम सेटिंग्स में सबसे पहले जाएंगे स्पीकर्स की कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है सबवूफर का, वो शो कर रहा है यूज में लेना है या नहीं लेना है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो ये फिर हमारे फ्रंट को ऑटोमेटिकली लार्ज पे ले आता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे फ्रंट स्पीकर्स हैं, इसने ऑटोमेटिकली ये समझ लिया कि वो फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स हैं या बड़े स्पीकर्स हैं जो कि बेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना सबवूफर के। लेकिन क्योंकि यहाँ मेरे पास छोटे स्पीकर्स हैं और सबवूफर भी है, तो मैं सबवूफर को यूज में लूंगा। तो मैंने जैसे ही इसको यूज पे लिया तो इसने ऑटोमेटिकली फ्रंट स्पीकर को स्मॉल में डाल दिया। अब मान लीजिए यदि आपके पास फ्रंट स्पीकर्स लार्ज हैं और सबवूफर भी आप यूज करना चाहते हैं, तो सबवूफर को यूज पे रहने दीजिए, और अगर आपके पास बड़े स्पीकर्स हैं, फ्लोर स्टैंडिंग स्पीकर्स हैं, तो फ्रंट को आप लार्ज पे कर दीजिए, और अगर नहीं है तो स्मॉल पे ही रहने दीजिए। वैसे ही सेंटर स्पीकर भी, अगर आपका बड़ा सेंटर स्पीकर है तो आप इसे लार्ज पे करें, अन्यथा इसको स्मॉल पे रहने दें। वैसे ही सराउंड स्पीकर्स, जैसे कि इस वक्त मेरे पास छोटे स्पीकर्स हैं तो मैंने इसको स्मॉल पे ही रखना है। यदि हम स्मॉल स्पीकर्स लगाते हैं और एवी रिसीवर को ये बताते हैं कि लार्ज स्पीकर्स लगाए गए हैं, तो हमारा एवी रिसीवर वो लो फ्रीक्वेंसीज को भी हमारे इन छोटे स्पीकर्स में पहुंचा देगा जो कि इन स्पीकर्स के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने के बाद जब हम थोड़ी सी भी वॉल्यूम को खोलेंगे तो स्पीकर से डिस्टॉर्टेड आवाज सुनाई देगी, यानी कुछ भरभराती सी आवाज सुनाई देगी, और हमें ये लगेगा कि ये स्पीकर्स अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो इसलिए इन सेटिंग्स को सही तरह से करना बहुत जरूरी है। फिर क्रॉसओवर की बात करते हैं। यहाँ हमें अपने एवी रिसीवर को ये बताना है कि हमारे स्पीकर्स कितने हर्ट्ज तक साउंड की फ्रीक्वेंसी को पैदा कर सकते हैं, और ये हमें पता चलता है स्पीकर्स के पीछे लगे स्टिकर पे या फिर स्पीकर के साथ आए ओनर्स मैनुअल से। इन यामाहा के स्पीकर्स के साथ आए ओनर्स मैनुअल के हिसाब से फ्रंट और सराउंड स्पीकर्स की, यानी NSB40 स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है 50 हर्ट्ज टू 25 किलो हर्ट्ज, और सेंटर स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है 70 हर्ट्ज टू 25 किलो हर्ट्ज। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि इन यामाहा के सभी स्पीकर्स के लिए 120 हर्ट्ज पे क्रॉसओवर को सेट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 हर्ट्ज से नीचे की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, अब वो इन स्पीकर्स में ना जाते हुए हमारे सबवूफर में जाएंगी, जिससे कि ये स्पीकर्स अपनी बेस्ट क्रिस्प और क्लियर आउटपुट दे सकें। और यदि आपके पास कोई और स्पीकर्स हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज के हिसाब से आप अपने एवी रिसीवर में फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। यदि आपको अपने स्पीकर्स की फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं मालूम तो आप 80 हर्ट्ज पर क्रॉसओवर को सेट कर सकते हैं। 80 हर्ट्ज जो है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्रॉसओवर पॉइंट है। अब इस मेन्यू से बाहर आ जाते हैं और चलते हैं डिस्टेंसेस पे। यहाँ डिस्टेंसेस का मतलब हुआ कि जहाँ आप बैठ के सभी स्पीकर से आने वाली आवाजों को सुनने वाले हैं, उस जगह से आपके स्पीकर्स के बीच की दूरी, ये सेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आवाज हमें हमारे कानों तक जिस वक्त पहुंचनी चाहिए वो तब तक सही वक्त पर नहीं पहुंचेगी जब तक हम इस सेटिंग को पूरी तरह से ढंग से नहीं कर लेते। तो ये दूरी नापने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी मेजरिंग टेप की। तो अब मैं इस टेप से एक एक करके सभी स्पीकर्स की दूरी को नापता जाऊंगा और इस सेटिंग में सेट करता जाऊंगा कि कौन सा स्पीकर कितनी दूरी पे रखा है। तो डिस्टेंसेस में आने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट जो है वो मीटर में दी गई है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो हम अपनी यूनिट्स को जो है वो फीट में नाप सकते हैं और या फिर मीटर में नाप सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो अपने स्पीकर्स रखे हैं वो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे हैं, यानी कि लेफ्ट वाला स्पीकर भी फ्रंट का मेरा 3 मीटर की दूरी पे था जहाँ मैं बैठा था वहां से, और राइट वाला स्पीकर भी वहां से 3 मीटर की दूरी पे था। सेंटर स्पीकर लगभग 3 मीटर से थोड़ा कम था तो मैंने उसको 2.60 पे ही रहने दिया है। सराउंड लेफ्ट मेरा जो है वो काफ़ी नज़दीक था मेरे, तो उसको मैं यहाँ पर जो मैंने नापा था वो डाल देता हूँ, वो था हमारा लगभग 1 मीटर। फिर ये सराउंड राइट यहाँ पर हमारा था लगभग 1 मीटर, और सबवूफर वो भी मेरा जो था वो फ्रंट राइट के पास ही रखा हुआ था, वो भी लगभग 3 मीटर की दूरी पे था, तो इसको भी मैंने 3 मीटर ही रहने दिया है। तो जहाँ हम बैठे हैं और वहाँ से जो हमारे स्पीकर्स की दूरी है वो इस मेन्यू से हमने अब सेट कर दी नापने के बाद।
तो अब हम यहां से बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इसको जब मेजरिंग टेप से अकेले बैठ के मेजर कर रहा हूं तो काफी तकलीफ हो रही है मुझको, बहुत मुश्किल से मैं मेजर कर पा रहा हूं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने फैमिली मेंबर को लें साथ में, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो उसको लें साथ में, और उसके बाद इसको मेजर करें तो आसानी से मेजर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं लेवल पे। लेवल मेन्यू के अंदर छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक अलग से उपकरण आता है जो कि आपकी साउंड के लेवल को चेक करता है कि फ्रंट लेफ्ट से आप जहां बैठे हैं वहां की दूरी तक क्या लेवल होना चाहिए, वैसे ही फ्रंट राइट से क्या लेवल होना चाहिए, सेंटर से क्या लेवल होना चाहिए, सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट और सबवूफर से क्या लेवल होना चाहिए, वो उस उपकरण पे हम पहले चेक करते हैं और उसके बाद हम उसको यहाँ पे कम या ज़्यादा उस हिसाब से करते हैं। लेकिन क्योंकि वो उपकरण हमारे पास सबके घरों में होता नहीं है, इसलिए मैंने इस सेटिंग्स को यहाँ पर जीरो ही रखा है। इसको अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप कोई गाना सुन रहे हैं और आपने अपने फ्रंट लेफ्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, सपोज़ 2 कर दिया, फ्रंट राइट को आपने 2 कर दिया, और सेंटर चैनल क्योंकि उसमें वोकल आ रहे हैं, आपको लगा मुझे म्यूज़िक ज़्यादा सुनना है तो मैं ये वोकल्स थोड़े कम रखता हूँ, तो आपने इसको ले जा कर के करीब 3 कम कर दिया। फिर आपने सोचा कि सराउंड साउंड भी काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही, अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा लूँ तो और अच्छा हो जाएगा। तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते यहाँ पर अपनी सेटिंग्स को छेड़ रहे हैं, आपने सपोज़ सराउंड को 4 कर दिया, इस वाले सराउंड को भी 4 कर दिया कि हाँ आप एकदम बहुत बढ़िया आवाज़ सुनाई दे रही है, और सबवूफर तो यार मतलब मैं इतना बढ़ा लेता हूँ कि एकदम धमक लगे, एकदम धम 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 धम, तो मैंने सबवूफर को पूरा ही ले जा करके 10 dB कर दिया एकदम हाई, या चलिए मान लेते हैं 8 कर दिया। अब ये पॉइंट आता है कि बिना नापे आपने इसको सारी सेटिंग्स को छेड़ दिया, और अब जब आपने कोई दूसरा गाना चलाया या कोई दूसरी फिल्म चलाई और आपने उस पर आवाज़ सुनी, आपको लगा यार स्पीकर में तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये स्पीकर तो जरा सा वॉल्यूम तेज करो ऐसा भड़बड़ भड़बड़ फटने लगते हैं, ये पॉइंट है कि अगर आपने अपनी सेटिंग्स को छेड़ा और थोड़ा भी वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे स्पीकर्स अच्छे नहीं हैं, मुझे स्पीकर्स बदलने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे रखें सबको, तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसको एक्चुअली बहुत अच्छे से करना ही है तो या तो वो उपकरण आप खरीदें, और अगर आप किसी इंजीनियर को बुलवाकर इंस्टॉलेशन करा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि वो ये उपकरण लेके आए और आपके लेवल्स को आपके स्पीकर से आपके बैठ के सुनने की जगह के हिसाब से मेज़र करके यहाँ पर बढ़ा या घटा दे। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, इक्वलाइजर में जाते हैं, इक्वलाइजर में देखते हैं, यहाँ पर इक्वलाइजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है कि ग्राफिक इक्वलाइजर आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है। तो अगर सपोज ऑन रखना है तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं कि कौन से चैनल का इक्वलाइजर आपको छेड़ना है, जैसे कि फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सेंटर, सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट एंड अगेन फ्रंट लेफ्ट। ये इक्वलाइजर भी हमको छेड़ना नहीं चाहिए, इसकी सेटिंग्स करने का भी एक अलग तरीका होता है, एक पिंक नॉइस करके एक चीज़ होती है जो कि हम इसके इनपुट में देते हैं, और उसके बाद स्पीकर से वॉल्यूम जो निकल रहा होता है उसको हम एक मीटर पे चेक करते हैं और उसके बाद इन फ्रीक्वेंसीज को छेड़ते हैं। ये कोई बेस या ट्रेबल घटाने या बढ़ाने के लिए एक्चुअली होती नहीं है, लोग बाग इन्हें ऐसा करके ज़रूर अपने म्यूज़िक एक्सपीरियंसेस को थोड़ा बेटर कर लेते हैं, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दें, ना बढ़ाएं और ना घटाएं। तो ऐसा करने से आपकी सेटिंग्स बहुत अच्छी रहेंगी और आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी सुनाई देगी। तो ये सब आप जब अपनी सेटिंग्स को जिस तरह से मैंने बताया है उस तरीके से रखेंगे तो इन स्पीकर से एकदम परफेक्ट साउंड आप सुन सकेंगे। अब यहाँ सबसे बाहर आ जाते हैं, तो अब यामा की सब सेटिंग्स होने के बाद हम होम दबाएंगे और ये आ गए हम होम पे। तो अब हमने अपनी सेटिंग्स कर ली यामाहा के AV रिसीवर के अंदर जाके, अब हम अपने टेलीविज़न पर भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा ARC ऑन हो गया है। जी हाँ, ये देखिए यहाँ ARC ऑन हो गया है। तो अगर आपका यहाँ पर शो नहीं कर रहा है ARC से कनेक्टेड और TV स्पीकर ही शो कर रहा है तो आप यहाँ से मैन्युअली भी ARC को ऑन कर सकते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये कनेक्ट हुआ है TV और AVR,
ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो अब देखिए, मैं ये वॉल्यूम के जो बटन्स हैं ये टीवी के रिमोट पे कम करूँगा तो आपको AVR पे भी कम होते दिखाई देंगे। ये देखिए, मैंने इसको दबाया और ये हमारे AVR पे वॉल्यूम कम होता दिख रहा है। तो यानी इसका ये मतलब हुआ कि अच्छे से कनेक्ट हो गया है, क्योंकि ये यामाहा का रिमोट नहीं है, टेलीविज़न का रिमोट है। टेलीविज़न के रिमोट से हम इसे ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो अब मैं जैसे कि इसको ऑफ़ करूँगा तो दोनों ही चीज़ें एक साथ ऑफ हो जाएंगी। ये देखिए, तो चलिए एक मूवी लगाकर देखते हैं कि हमारा 5.1 कैसे काम करता है। तो यहाँ अभी हम देख सकते हैं इस मूवी पर लिखा है कि यह 5.1 सपोर्ट करती है, और हमारे AVR पे आप अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ लेफ़्ट राइट और सबवूफर ही शो कर रहा है। तो अब मैं इस मूवी को जब प्ले करूँगा, ये देखिए प्ले, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसने सारे के सारे 6वें चैनल को डिटेक्ट कर लिया है, यानी कि लेफ़्ट, सेंटर, राइट और सराउंड लेफ़्ट, सबवूफर और सराउंड राइट। तो यदि आप लोग इस तरीके से सेटिंग करके अपने ऑडियो वीडियो के एक्सपीरियंस को लेंगे तो मेरी समझ में वो इन यामाहा के स्पीकर से बेस्ट क्वालिटी आउटपुट देगा आपको। तो ये तो हो गया हमारे 5.1 सिस्टम का सेटअप एकदम सटीक और सही ढंग से। यदि इस तरह से हम अपने 5.1 स्पीकर्स को लगाएंगे तो बिल्कुल सटीक सराउंड साउंड के साथ हम अपनी फिल्म्स को, वेब सीरीज को या टेलीविजन के प्रोग्राम्स को सुन सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान में रखने वाली बेहद जरूरी बातें। हमारे इंडिया के काफी शहरों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन का बहुत बड़ा इशू है, तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें जो कि आपके टेलीविजन के साइज को मैच करता हो, जिसमें कि आप अपना होम थिएटर भी लगा सकें। मैंने भी यहाँ अपने होम थिएटर सिस्टम और टेलीविजन के लिए V-Guard कंपनी का ये एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा रखा है। दूसरी खास बात ये कि यदि हम इन यामाहा के स्पीकर्स को इस्तेमाल में ला रहे हैं तो फ्रंट लेफ्ट राइट स्पीकर्स और सेंटर चैनल के लिए ये स्पीकर वायर जो यामाहा कंपनी ने दी है वो ठीक है, लेकिन साइड सराउंड और सब वूफर के लिए कम से कम 16 गेज की वायर का इस्तेमाल करें। मैं अपने सभी स्पीकर्स के इंस्टॉलेशन के लिए अमेजन बेसिक्स का ये 16 गेज का वायर यूज करता हूँ। स्पीकर्स को कनेक्ट करने से पहले यदि हो सके तो आप अपनी स्पीकर्स की वायर को सोल्डर कर लें। ऐसा करने से आपके स्पीकर्स की वायर में कार्बन लगने का इशू कभी नहीं आएगा। और दूसरी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि HDMI 2 केबल जो आप लें वो बहुत ज़्यादा महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी HDMI केबल्स एक जैसी ही होती हैं। एक और बहुत ज़रूरी ध्यान में रखने वाली बात जो है वो ये है कि जब आप अपने स्पीकर्स की वायरिंग कर रहे हों अपने AV रिसीवर के साथ, या फिर आप अपने टेलीविज़न का HDMI कनेक्शन कर रहे हों अपने AV रिसीवर में, उस वक्त आप अपने AV रिसीवर की पावर को ऑफ करके रखें, आप अपने टेलीविज़न की पावर को ऑफ करके रखें और बोर्ड से प्लग को ऑफ करके वायर बाहर निकाल के रखें। तो होता क्या है कि अगर हमने पावर ऑन रखी हुई है और हम अपनी वायरिंग कर रहे हैं, तो जब स्पीकर की वायरिंग कर रहे होते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं वायर शॉर्ट होने के। तो अगर वायर शॉर्ट हो गई तो हो सकता है हमारा कोई उपकरण खराब हो जाए। तो ये हुई कुछ ध्यान में रखने वाली खास बातें। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।